मेरे को मजाक में मत लो, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हाथ तोड़ के बहरा कुचल कर कमल के फूल को कीचड़ से उड़ाते हुए ये ऑटो जीत की तरफ निकल रहा है। उसके वीडियो की व्यूशिप जो है ना 3-4 हजार है, मेरे वीडियो की जो है ना 25 हजार है, उसमें भी वो 30% पीछे है। पांप बेचारा बीजेपी का कैंडिडेट। मैंने ये अवाम के बुनियादी सहूलतों के बारे में बात किया है, ना ही कोई इनके उनके ऐसा वैसा नहीं। अवाम को जो सर्विस चाहिए उन बुनियादों पे बात किया है मैंने। मेरे अपोजिशन में जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मेरा मशवरा है कि आप सब विड्रॉ हो जाइए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुजाहिद रौफ मजरी गुलबर्गा नॉर्थ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा सीरियल नंबर 12 है। ऑटो रिक्शा मेरा सिंबल है। लोग पूछ रहे हैं आप इतना तहलका कैसा मचाए हैं। मैं अवाम उन्नाव से कहना चाहता हूँ तहलका नहीं मचाया, एक ग्राउंड रॉयल्टी है, पब्लिक में से जुड़ रही है, मैं काम कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था, लो 3000 की लीड से जीत रहा हूँ बोलकर। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में जो है मैं 5000 की लीड से जीत रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू देखकर 1000 से 2000 लोग मेरे वोटर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑटो जीत की तरफ निकल रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं मेरे को ऐसे कैसे, ऐसे वैसे कुछ नहीं, 13 तारीख का इंतज़ार रहेगा सबको और इंशाल्लाह मैं जीत रहा हूँ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। और कई लोग बोल रहे हैं मुझे आपका इतना कॉन्फिडेंट कैसा। भाई मीडिया वालों को तो पता ही रहता है ग्राउंड रियलिटी क्या है मेरी। जहाँ पे जो है ना बड़े बड़े सिटिंग MLA बड़े बड़े पार्टियों के लीडर्स जो हैं उनके जो है ना वीडियोज़ जो है ना 1000-2000 की जो है ना व्यूज़ ले रहे हैं, जहाँ पर मेरा एक वीडियो 25000 की जो है ना व्यूशिप्स ले चुका है, तो उससे जो है ना ग्राउंड रियलिटी मालूम हो रही है कि लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं आपकी टक्कर किससे है। मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं जीत रहा हूँ और बीजेपी का कैंडिडेट 5000 से मेरे से पीछे है। और गुलबर्गे की अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने 3000 की लीड से जीतूँ कहा था, इस बार मैं 5000 की लीड से जीत रहा हूँ। मैंने जो मुद्दों पे बात की है वो ग्राउंड रियलिटी पे बात की है, जैसे कि पीने के लिए पानी, राइट टू एजुकेशन के मुद्दे, डस्ट फ्री, ऐसे कई मुद्दों पे इश्यूज़ पे बात किया है, जिससे मेरे को सऊदी अरब से, गल्फ कंट्री से, बहरीन से, ख़तर से, दुबई से, कई जगह से मेरे को कॉल आए, मैसेज आए, उसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। जहाँ रही बात मैं कहीं होटल में जा रहा हूँ तो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझसे गले मिल रहे हैं, शाल पोशी कर रहे हैं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं लोग। और मैं कहीं पर झंडा लेने के लिए जा रहा हूँ, लोग मेरे से मिल रहे हैं, कर रहे हैं, शाल वो पहना कर सम्मान कर रहे हैं, कोई फूल का हार पहना रहे हैं मेरे को। ये ग्राउंड रियलिटी है, पब्लिक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पसंद करना चाह रही है, क्योंकि मैंने ये अवाम के बुनियादी सहूलतों के बारे में बात किया है, ना ही कोई इनके उनके ऐसा वैसा नहीं। अवाम को जो सर्विस चाहिए उन बुनियादों पर बात किया है मैंने। उन लोगों को जिन्होंने मेरे वीडियो में कॉमेडी के कमेंट्स किए हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरे को मजाक में मत लो, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हाथ तोड़ के बहरा कुचल कर कमल के फूल को कीचड़ से उड़ाते हुए ये ऑटो जीत की तरफ निकल रहा है इंशाल्लाह। और लोग मुझे कह रहे हैं ऐसे कैसे भाई बीजेपी का कैंडिडेट आपसे पीछे, तो मैं अवाम उन्ना से कहना चाहता हूँ, ये सब लंबी कहानी है, एग्ज़ाम्पल पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उसके वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, उसके वीडियो की व्यूशिप जो है ना 3-4 हज़ार है, मेरे वीडियो की जो है ना व्यूस 25000 है। इसकी काउंटिंग के हिसाब से उसमें भी वो 30% पीछे है पांप बेचारा बीजेपी का कैंडिडेट। आखिर में मेरे अपोजिशन में जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मेरा मशवरा है
कि आप सब विड्रॉ हो जाइए, मेरे मशवरों को मजाक में मत लो, आप सब विड्रॉल हो जाइए, क्योंकि पब्लिक का टाइम ख़राब मत कीजिए आप लोग, और मैं जीत रहा हूँ इंशाल्लाह। और जाते जाते मैं आवाम से ये अपील करता हूँ, मेरा सीरियल नंबर 12 है और ऑटो रिक्शे का मेरा निशान है, आप सब मेरे को कामयाब बनाइए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी जीत होगी। और एक मैसेज ये भी देना चाह रहा हूँ मैं पब्लिक को, 500-1000 रुपये के जो पैसे लेकर कर जो वोट डाल रही है पब्लिक, इससे अवाम का नुकसान है। आज एजुकेशन के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो है ना गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। आज अगर आप 500-1000 रुपये पे वोट डालेंगे, कल आने वाली आपकी जनरेशन ख़राब हो जाएंगी।